हमको बचानी है ये जिंदगानी। पूछे की धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। ये है पानी की कहानी। मैं अक्षय कुमार लाया हूं हापिक नेटवर्क 18 मिशन पानी, क्योंकि इसी पानी से जुड़ी है हमारे देश की करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगानी। इसलिए हमें पानी को बचाने की शपथ लेनी है, क्योंकि पानी से बड़ा कुछ नहीं। जी हाँ अक्षय, आपने बहुत सही कहा। ईशा जी भी हमारे साथ हैं, नमस्कार। पानी से बड़ा कुछ नहीं। ईशा जी, आप एक एक्ट्रेस भी हैं, आप एक डांसर भी हैं, आप माँ भी हैं, तो हमें तो अपने हिस्से का पानी मिल गया है। मतलब अभी भी हमारे घर में कोई किल्लत नहीं है पानी की, सब कुछ जो है। लेकिन आगे जाके सोचो पानी का क्या होगा। आपके बच्चों को आपने क्या सिखाया है? मेरी दोनों बेटियां हैं राध्या और मिराया, एंड आई मेक श्योर दैट दे लर्न टू सेव वाटर फ्रॉम दिस यंग एज। फॉर एग्जांपल, यू नो व्हेन दे आर ब्रशिंग देयर टीथ, आई डोंट लीव द टैप वाटर रनिंग। इसीलिए मिलकर संकल्प करते हैं कि पानी को पानी की तरह नहीं बहाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियों को और बच्चों को सिखाएंगे ये बात जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंडरफुल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपका और पानी का भी एक बहुत गहरा रिश्ता है अक्षय। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि पानी ने आपकी जान भी बचाई है, आपको जीवन दान भी दिया है पानी ने। पानी, बिल्कुल सही कहा आपने आनंद जी। पानी जो है वो मेरा रखवाला है, मेरा डॉक्टर है। आप पूछोगे कैसे। करीबन 15 दिन पहले ही मैंने ये वाटर ट्रेडमिल मंगाया है। ये देखिए, ये इट्स वन ऑफ द मोस्ट, मतलब लाइफ सेविंग थिंग जो कि मेरे लिए है, मेरे शरीर के लिए है। ये जो पानी आप देख रहे हैं जी, अब ये जब मेरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी जी, वहां एक बटन है। हाँ, वो बटन को दबाइए। ये हाँ, सारा का सारा पानी अभी नजर नहीं आ रहा, इधर एक बहुत बड़ा टैंक है जी, वो टैंक के अंदर चला जाएगा। ठीक है। और फिर जब मुझे अगले सुबह वापस करना होगा वर्कआउट, मैं वापस बटन दबाऊंगा, वो ही पानी हाँ, वापस इधर आएगा। एंड दिस आई कैन डू फॉर 3-4 मंथ्स। ये काम आप समुन्दर के पानी में कर सकते हैं। आप भागिए पानी के अंदर, इतने पानी के अंदर भागिए, आप स्विमिंग पूल के पानी में भाग सकते हैं, जो मैंने किया। बिकॉज ऑफ दिस आई डोंट गेट पेन ऑन माई स्लिप डिस्क, माई L4, L5, माई साइटिका, माई S1, S2। दे अभी भी सलामत है एंड आई कैन गो, एंड थैंक्स टू वॉटर, थैंक्स टू पानी। पानी। लेट्स वेलकम मिस्टर लक्ष्मण नरसिम्हन, द सीईओ ऑफ रैकेट बैंकीजा। हाउ इट इज, हाउ डज इट फील टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म दैट इज हार्पिक मिशन पानी? You know, Mission Pani at the end of it is about how we ensure India is clean, how India is healthy, and we do this in a water-efficient manner. Now, you know that toilet usage in India is less than it could be, even when toilets are present, because the toilets are not clean. And we need to find ways to ensure that those toilets are clean and that it is done in a water-efficient manner. You know, the reason we exist as a company is to protect, heal, and nurture in the relentless pursuit of a cleaner and healthier world. Now I'm very, very pleased to have the President Hygiene of Reckitt Benckiser, Mr. Harold Vandenbroek. We would love to understand what your vision for Mission Pani in India is. I love Mission Pani. It is such a relevant topic. We're very pleased that Harpic, with over 100-year legacy, is trusted by the people in India so that we can champion the cause of clean and hygienic sanitation for all. For example, Harpic uses only 1/4 of water in comparison to commonly used detergents, especially when used
in Indian toilets. And if my information is correct, this encompasses about 2/3 of the toilets in India. Well, thank you very much, Harold. Now, it's not enough to expect the government to do all the work or certain organizations to do all the work. It's time we also choose to be selfless. Hame khud bhi to kuch karna hai. शुरुआत होती है एक जज्बे से, अपने आप से बड़ा कुछ करने का जज्बा। ये नहीं सुनता कि औरत हो, अभी बच्चे हो, अकेले हो, क्या फायदा होगा, क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है, तभी तो कुछ बदलता है, तभी तो एक इंसान पूरा जंगल उगा देता है। इसी जज्बे से सींचते हैं तालाब। एक सफाई कर्मचारी पूरे शहर की किस्मत बदल देती है। कदम से कदम मिलते हैं, गांव के गांव खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बदलने के लिए यह सोचना होगा कि हर एक पेड़, हर नदी, एक एक बूंद बहुत बड़ी है। हम सबसे बड़े और खुद से बड़ा कुछ करने की बारी अब आपकी है। आज ही जल प्रतिज्ञा लीजिए। यस, जज्बा, पैशन, जज्बा है हम सब में, जज्बा, जोश, जुनून। आई लाइक टू पुट थ्री जेस टुगेदर, ऑल दैट इज देयर, द पैशन दैट इज कनेक्टेड ऑल ऑफ अस टुडे टू हार्पिक नेटवर्क 18 मिशन पानी। राइट नाउ वी आर जॉइंड लाइव बाय टू पीपल। जो आपने म्यूजिक मिशन पानी का एंथम सुना है, उस एंथम को स्कोर किया जिन्होंने, उसको इतनी सुंदरता से लिखा जिन्होंने, ए आर रहमान साहब एंड प्रसून जोशी जी। आई हैव अ क्विक क्वेश्चन टू आस्क ऑफ रहमान साहब एंड ऑल्सो इफ प्रसून कैन फॉलो दैट। हाउ डिफिकल्ट, हाउ स्पेशल वॉज इट, स्पेशली वॉट द चिल्ड्रन हैव डन नाउ? इज देर, वॉज देर ऑल्सो अनदर अंडरलाइंग मैसेज? एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज समथिंग विच वी आर डूइंग हियर, वॉट हैव यू चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ योर अप्रोच टू वॉटर? You know, when I'm brushing my teeth and also I'm very more conscious about closing the tap and every drop actually, and I'm more aware of the usage of water. So that's what changed me. Rahi baat is gaane ki, to is gaane mein, because the children ka bhavishya jo hai, aane wale kal jo hai, un par depend karta hai. Isi liye jab ye gaana hum shuruaat kar rahe the, to ye khayal aaya कि ये बच्चे अगर गाएंगे तो हमको अपनी जिम्मेदारी का ज्यादा एहसास होगा। वी आर नाउ जॉइंड बाय अ वेरी वेरी स्पेशल, वेरी पर्टिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट हु सपोर्ट टू द कैंपेन हैज बीन इनवैल्यूएबल। जॉइनिंग अस राइट नाउ इज द आर्किटेक्ट ऑफ दैट मिशन, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। नमस्ते जी गजेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बचपन से हमने किताबों में पढ़ा है कि हमारे देश में नदियों की, झीलों की, तालाबों की, झरनों की कभी कमी नहीं हुई, फिर भी पानी पर स्टेट्स के बीच में झगड़े क्यों होते हैं, ये क्यों होते रहते हैं झगड़े? दुर्भाग्य से हमने अपने जल संसाधनों का जिस तरह से संरक्षण करना चाहिए था वो नहीं करने के कारण से, अति दोहन के कारण से, और जल संसाधनों के लगातार प्रदूषित होते जाने के कारण से जल संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है। वर्ष भर की बरसात जो है कुछ सीमित दिनों में ही हो जाती है, तो उसके कारण से चुनौतियां बढ़ी है, लेकिन इन सब का समाधान यही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है कि हम घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में रोकें, वर्षा के जल का अधिकतम संरक्षण करें, अधिकतम संचय करें, संचय किए हुए जल का संरक्षण करें, संरक्षित जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें, और उपयोग किए हुए जल को वापस रिसाइकल करके बार बार उपयोग करें। You know, I'll come back to you in just a bit. Let me just bring in my colleague and friend, Maria Shakil at CNN News 18. Maria, isn't it great to be part of such a special, unique waterthon? Absolutely, Anand. It's an honor to be here with all of you today. But I'm also delighted to have with us the man of the moment in India's mission vaccine. Joining us now is the Honorable Minister for Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan. Harshvardhan ji, आपने हाल ही में वाटर इनोवेशन कार्यक्रम शुरू किया है, इसको कैसे और किसको फायदा होगा, खासकर देश के ग्रामीण भाग जो रूरल क्षेत्र हैं उसके बारे में आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए। देश के लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा
हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जिसके अनुसार दुनिया भर में लगभग 200 करोड़ से अधिक लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव इसी दिशा में उठाया गया कदम है। द पीपल वी वांट टू स्पीक टू और जिनसे हम बात करना चाहते हैं, दे हैव वेरी वेरी स्टार्टलिंग, वेरी वेरी टचिंग स्टोरी, बट इट्स अ रियल स्टोरी, इट हैपेंस एवरी डे इन देयर लाइव्स। जी हाँ, बेयरली आवर्स फ्रॉम मुंबई। आप मीलों मील चलते हैं रोज? रोज हमारे गांव के 2-2.5 किलोमीटर हम जाते हैं और वहां से थोड़ा सा खड्डा करके वहां जो पानी उबलता है ना, वो हाँ। वो लेके आते हैं हम। हमारी गांव के सब लेडी, हम सब मिलके जाते हैं, वो खड्डा करते हैं और खड्डे में से वो पानी जो आता है वो दो हंडे इनको देते हैं, दो हंडे हम ऐसे लेके हम आते हैं। दीज आर द वुमेन हु आर द अमेजिंग वुमेन हु हैव डन थिंग्स फॉर देयर फैमिली अलोंग विद देयर चिल्ड्रन। I'm not going to sit now through this waterthon. That's the promise that I make as Akshay decides to walk. 1,000 crore is the value of the people days or the human hours that we are wasting because women in our country are spending time just to go fetch 2 pots of water. Joining us is the Chief Minister of Goa, Pramod Sawant ji. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इस काम को possible बनाने के लिए आपने लोगों को कैसे मनाया होगा, कैसे समझाया होगा कि ये करके दिखाना है? मैं हर घर जल विच इज पॉसिबल, और हमने हमारे स्टेट में हमने कर दिखाया है। जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उन्हीं के वास्ते हम हर घर जल, जो हम पब्लिक टैप वाटर सिस्टम से प्यूरिफाइड ट्रीटेड एंड टेस्टेड वाटर हर एक हाउस होल्ड तक दे पाए, और विच इज द मीटर्ड और विच इज ऑलवेज पेड बाय द पीपल फॉर द एवरी मंथ। कोई भी आदमी चाहता होगा कि जब उन्हें ट्रीटेड टेस्टेड वाटर मिलता है तो डेफिनेटली वो 50 रुपए तो 100 रुपीज पूरे गोवा में देने के लिए तैयार है जी। इसीलिए हमने अवेयरनेस बढ़ाया, अवेयरनेस किया और सभी लोग तैयार हो गए। वी हैव अमंग अस अ मैन हु टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू प्लग दैट ड्रिप एंड ही समबडी आई रियली एडमायर बिकॉज ये करने के लिए एक जज्बा चाहिए। एंड विद हिम वी हैव राजश्री देशपांडे, एन एक्टर यू आर ऑल अवेयर अबाउट। Abhiji, I want to ask you, sure. Your foundation has done some phenomenal work. It has also got a very, very interesting name. What is the philosophy between this drop dead? If the drops are dead, then we all are dead. Simple. Agar ek second mein ek drop girta hai, tapakta hai, zaya hota hai, to ek mahine mein 1,000 liter pani goes down the drain. I never thought that this, you know, something is going to be very like a drought and farmers are really in a bad way and all. I was just holding a bucket and, you know, walking because I've spent my entire childhood in villages in tier 3 cities. So I'm very well aware of the situation. So you're there. Saying you grew up in an environment where you yes. thought it's normal yeah, to it's walk very kilometers normal. To yeah, get yeah, water. Yeah, absolutely. Water is connected to sanitation. Water is connected to healthcare, water is connected to education, it's connected to everything with us. So what we have to do is we have to go back to our roots and actually start working on them. So water is the first thing what we have to actually work on. It was so good to have both of you. Thank you very much. We are now being joined by the inimitable Amla Ruiya, who's fondly called the water mother of India. I feel so privileged to be part of Water Mission today. And I am so happy to meet so many people who are dedicating themselves to the noble cause of water. मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे शरीर का जर्रा जर्रा पानी के काम आ जाए, और मैं बहुत ही सेटिस्फाइड फील करती हूँ कि आज 7.5 लाख लोगों का जीवन हमारे काम की वजह से रूपांतरित हो गया है, और मैं भी उन महिलाओं के दर्द से ही प्रभावित होकर इस ये बीड़ा मैंने हाथ में उठाया था कि मैं किसी भी तरह से इनका दर्द मिटा सकूं, ये जो पानी लाने और ले जाने की ड्रजरी है ये समाप्त कर सकूं। वाह, व्हाट अ फैंटास्टिक मोमेंट। आई नाउ कॉल अपॉन, अब पेश करते हैं अक्षय जी टू फेलिसिटेट अविद सुरती, राजश्री एंड अमला रुया जी विद द मिशन पानी वाटर वॉरियर अवार्ड। Such a big job. All right, now let's go back to
and talk to somebody who is very, very special. This is someone who is the Senior Vice President and Managing Director of Reckitt Benckiser, Narasimhan Ishwar, who's led many of the corporate's initiatives with purpose and has a very, very special place in his heart for the Right to Dignity program. Thank you for having me, Anand. It's a pleasure to be here. Saving water was always crucial, but now it's more important than ever before. This pandemic has taught us that frequent hand washing and high levels of sanitation and hygiene are absolutely essential for all sections of society. And access to clean and hygienic water is essential not just for drinking, but also for our increasing needs of sanitation. True. But while the demand for water is higher than ever before, so is the consumption. And this is where Harpic Mission Pani comes in. It's a defining people's movement. It's aimed at creating a more direct impact on water and sanitation. Please welcome Sports Minister Kiran Rijiju, the Minister for Youth Affairs and Sports. Kiran ji, namaste. Thank you for joining us here on the Harpic Mission Pani Waterthon. When we look at India, it's very diverse. One part of India is absolutely dry, another part of India is absolutely flooded. But the thing is, how we manage this disparity in water resources. Honorable Prime Minister Modi ji has constituted this new ministry called Jal Shakti Mantralaya. Jal Shakti only because unless we focus on the water consumption in a very concentrated and focused manner, we won't be able to deal with this challenge which we are going to face. समय है अभी यहाँ मिशन पानी वाटरथॉन में बात करने का with the CMO of Reckitt Benckiser. Through Mission Pani, our goal is to ensure that we can drive awareness and inspire people to utilize water responsibly and help create actions that can have an impact towards conserving water for the long term. Through initiatives like Waterthon, we're hoping today to bring to life stories of water warriors who've been working relentlessly in this space. I would urge all people, all the viewers as well as all the people watching together, to step forward and join this movement today. इसी मौके पर हमारे साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री जुड़ रहे हैं सुखनील जी. आपको नहीं लगता कि बच्चों को स्कूल में, जैसे मैं पूछ रहा था कि कम उम्र में ही पानी से जुड़ी शिक्षा देनी चाहिए और उससे फायदे क्या हो सकते हैं उनके? हमारी कोशिश है कि हम पर्यावरण से, उस प्रकृति से अपने बच्चे को बचपन से ही जोड़ें, उसको पाठ्यक्रम के रूप में जोड़ें, उसको ये महसूस कराएं कि प्रकृति के बिना कुछ नहीं है, प्रकृति है, प्रकृति है, तो यदि प्रकृति के अनुरूप आप चलेंगे तो वो संस्कृति होती है और संस्कृति हमें संस्कारों का काम करती है, रचना का काम करती है, निर्माण का काम करती है, बढ़ाने का काम करती है, बढ़ने का काम करती है और शांति का और सुख का काम करती है. लेकिन यदि प्रकृति के साथ आप का समन्वय नहीं है तो वही प्रकृति विकृति के रूप में परिवर्तित होती है और फिर वो विकृति विनाश का कारण बनती है जिसको पूरी दुनिया देख रही है. ये जल पाठ्यक्रम, मैं दरखास्त करूंगा अक्षय से कि मिशन पानी वाटर स्कूल करिकुलम को लॉन्च करें. मिशन पानी जल पाठ्यक्रम, जी हाँ, ये स्कूलों में कैसे बच्चों को जागरूक करना है, अगली पीढ़ी को कैसे जागरूक करना है, उसके लिए एक वाटर करिकुलम है. देख लेना, आने वाली पीढ़ी हमसे ज्यादा स्मार्ट रहने वाली है. किशोर, आपने जिक्र किया रवि सिंह जी का. जी, रवि सिंह जी WWF इंडिया के, जिनके साथ मिलकर ये पाठ्यक्रम बना है, करिकुलम बना है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं. ये करिकुलम उन स्कूल्स और उन सेगमेंट्स में जारी होगा जहां पे पानी की एक तो महसूस है, लोग महसूस करते हैं उसकी कमी या उसकी उसकी वैल्यू, और एक तरीके से कि जहां पे बच्चे समझ सकें कि ये एलिमेंट, ये ऐसा है, ये प्रेशस है, ये हमारे देश का बहुत प्रेशस रिसोर्स है. वी विल टेक इट फॉरवर्ड एज मच एज पॉसिबल टू द रेस्ट ऑफ इंडिया. क्विकली मूविंग ऑन टू समबडी, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी एबल टू स्पीक टू हिम. इट्स अ फैन मोमेंट फॉर मी because we are joined by Grand Master Vishwanathan Anand. Chennai has suffered from a drought and floods 1 year after the next. Just a short while back, we ran out of water and all the water had to be trucked in. And it's just a feeling that this cannot go on any longer and we cannot only react when things fall apart. We have to start earlier. और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी.
तो हमने जो बुल्ढाणा में जो रोड बनाया था बुल्ढाणा टू अजिंठा और ऐसी अभी 12 नंबर्स में हमने नंबर ऑफ एनएच प्रोजेक्ट एंड लेंथ बुल्ढाणा जिले में जो किए बुल्ढाणा पैटर्न में वो 12 प्रोजेक्ट थे 491 किलोमीटर 491 किलोमीटर और इसमें से हमने क्या किया जो नदी नाले क्रॉस कर रहे थे और जो लेक बाजू में थे उनको हमने वहाँ की मिट्टी निकाली रोड के काम के लिए जो हमको लगती है और ये मिट्टी निकाली 65.59 लाख क्यूबिक मीटर फ्रॉम 136 टैंक्स सर्टन वाटर स्टोरेज जो है वो 6559 टीसीएम 1000 क्यूबिक मीटर हुआ और इसमें टोटल 152 विलेज जिसमें 4.83 लाख लोग हैं उनको पानी की समस्या सुलझाई गई वाटर सप्लाई स्कीम जो है 81 नंबर की वो अब पानी की जरूरत नहीं है और जो वेल्स है कुएं उसमें रिचार्ज किया वो 22,800 नंबर के कुएं हुए और ये सब काम जो है इसकी कीमत अगर निकालेंगे तो कम से कम ये 410 करोड़ रुपए है और ये काम फुकट में हुआ हमें एनएचआई के काम के लिए मिट्टी मिल गई और वाटर कंजर्वेशन फ्री ऑफ चार्ज हो गया और यही मॉडल सब देश में हो सकता है अब लोगों की वहाँ पानी की समस्याएं सुलझाई गई बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मिशन पानी की मुहिम के साथ जुड़ने के लिए हार्पिक नेटवर्क 18 मिशन पानी प्यासी हूँ मैं तुमको पिला के थक गई हूँ मोड़ों पे रुक के प्यासी हूँ मैं तुमको पिला के थक गई हूँ मोड़ों पे रुक के अश्क तो बहने दो पानी हूँ पानी रहने दो